A very good morning and welcome to the class. Today we will be studying Walter Penck, who has given a model of slope development which is known as slope replacement model. Yesterday we studied about William Morris Davis, who gave decline model, that is slope decline model, जिनका जिसे हम कहते हैं कि जो ढाल हैं वो नतोदर और उन्नतोदर आकृतियों में परिवर्तित हो जाते हैं, इससे ढाल जो है वो हास उन्मुख होते हैं। लेकिन वाल्टर पेंक ने जो मॉडल दिया उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्लोप रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जो मॉडल है वो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स के संदर्भ में डिस्क्राइब करता है, विच मीन्स एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस जो बहिर्जात प्रक्रिया हैं और जो भू आकारों का विकास है, स्वरूपों का, उनके संबंध को समझाता है। साथ में यह जो सिद्धांत है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अ रीजन थ्रू एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड लैंड फॉर्म्स। सेम टाइम जो ये स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल है वो अंतर्जातीय शक्तियाँ और भू आकारों का किसी प्रदेश में उसके भू वैज्ञानिक इतिहास को समझने में हेल्प करता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो ग्राफ है वो स्लोप रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, कि फर्स्ट वाला ग्राफ आप देख रहे हैं कि उसका जो नतोदर पार्ट उन्नतोदर पार्ट है और वो उन्नतोदर सेकेंड में वो और पीछे की तरफ खिसका हुआ है, तीसरे में वो और ज़्यादा संकीर्ण होते हुए खिसका है, लेकिन निचले भाग में आप देख पा रहे हैं कि उतना अपरदन नहीं हुआ है। तो उस केस में जो 1, 2, 3, 4, 5 जो नंबर हैं वो ये दिखा रहे हैं। नीचे आप देखिए कि बिल्कुल ही वो एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन जो साइड जो पार्श्व एरिया है वो आपका रिप्लेस नहीं हुआ है और वो आपका वहीं का वहीं स्थिर है। सो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कि डेविस बेसिकली कंजर्वेटिव थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इनका जो मेन रोल है या मेन उनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि इन्होंने जो बहिर्जात प्रक्रम है और भू आकार के विकास के बीच को संबंध स्थापित करते हुए उन्होंने ये समझाया कि किस तरह से जो भू आकार हैं वो परिवर्तित होते हैं, साथ में अंतर्जातीय बलों का संबंध किसी भौगोलिक उसमें प्रदेश में उसके भूगर्भिक इतिहास को समझाने का प्रयास भी किया। सिमिलरली एक आगे इसमें ये चीज़ आती है कि इन्होंने निगमनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया। जो वाल्टर पेंक है उन्होंने जो ढाल के विकास की प्रक्रिया है उसकी जो प्रकृति है वो समान होती है, एक प्रकृति उसकी जो है वो सेम है, और जिसके ढाल क्या होते हैं वो तीव्र होते हैं। तो बेसिकली एक सी प्रवृत्ति वाली चट्टानों के खड़े ढाल से ढालों के विकास के क्रम को उन्होंने समझाया। बेसिकली इनका जो मेन जो प्रपोज़ किया था उन्होंने इस मॉडल में वो ये था कि रिवर्स कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट रॉक डेब्रिस एंड द रेट ऑफ इरोजन इज़ वेरी लेस। दैट इज मीन्स कि इस खड़े ढाल के आधार में जो नदियाँ हैं वो चट्टान चूर्ण को जो होता है डेब्रिस जिसे हम कहते हैं वो स्थानांतरित करती रहती हैं, लेकिन अपरदन की दर बहुत कम होती है, लेकिन जो स्थानांतरण है वो नदियों द्वारा उस चूर्ण का होता रहता है। साथ में बेसिकली खड़े ढाल पर अपक्षय के द्वारा एक निश्चित ड्यूरेशन में जो रॉक डेब्रिस है वो अनकंसोलिडेटेड होता है, मीन्स असंगठित होता है और ढीला होकर स्थानांतरित होता जाता है। तो ये उसकी प्रक्रिया है कि नदियाँ जो हैं वो कंटिन्यूएशन में उसको रिप्लेस करती हैं, उसको मूव करती रहती हैं, लेकिन रेट ऑफ इरोजन इज़ वेरी लेस। साथ ही जो ढाल खड़ा हुआ है उसमें वेदरिंग जो प्रोसेस है एक निश्चित अवधि में जो है वो खुद ही अनकंसोलिडेटेड, क्योंकि मटेरियल होता है तो वो लूज होके वो मूव होता रहता है। तो इस क्रिया के लिए बेसिकली हम ये कहते हैं कि ढाल का होना आवश्यक है, अगर ढाल नहीं होगा तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। साथ ही जो वेदर्ड रॉक डेब्रिस है वो कवर्स द लोअर स्लोप इन दिस प्रोडक्टिव फ्रेम फ्रॉम बींग वेदर्ड। जो अपक्षित चट्टान चूर्ण या शैल चूर्ण जिसे हम कहते हैं वो है, वो क्या करता है कि निम्न ढालों पर एक सुरक्षात्मक आवरण बना देता है, जिसकी वजह से जो फर्दर उसके पक्षे की प्रक्रिया है वो नहीं होती। तो निम्न भाग में ढाल बेसिकली खड़ा ना होकर ऊपरी प्रत्येक चट्टानी इकाई पर ढाल खड़ा होता है, मीन्स बेस लेवल पे कम होगा, ऊपरी भाग में ज़्यादा होगा। इन्होंने वाल्टर पेंक ने अपने जो मान्यताएँ मानी वो इस तरह से मानी है इसमें थ्योरी में कि स्ट्रेट स्टीप रॉक फेस जिसे हम कहते हैं स्टील वैंड, क्योंकि वो जर्मन थे, स्टैंडिंग अबव अ स्ट्रीम एट इट्स बेस, मीन्स किसी नदी घाटी में जो
ढाल है उसका जो फ्री फेस है वो आपका स्ट्रेट होगा, सीधा होगा पार्श्व और स्टीप होगा। दूसरी जो बात इन्होंने अजम्पशन मानी थी वो ये कि वेदरिंग ऑफ स्टील बैंड एट अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मेंटल फ्रॉम इट्स फुट कॉजेज रिट्रीट एट अ कॉन्स्टेंट एंगल। जो अपक्ष है स्टील बैंड का, जिसे हम कह रहे हैं रॉक फेस, जो तीव्र चट्टानी पार्श्व है उसकी जो अपक्ष की प्रक्रिया है वो समान दर से होती रहती है और साथ ही जो अपशिष्ट परत है उसका रिमूवल होता रहता है आधार पे, और जिसकी वजह से क्या होता है जो पुनर्स्थापन है वो कांस्टेंट एंगल पे होता रहता है बेस पे। तो ये उन्होंने अजम्पशन माना था। तीसरा अजम्पशन इन्होंने माना था द रिट्रीटिंग स्टील बैंड इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ अपस्लोप एक्सटेंडिंग हेल्डन हैंड और बेसल शो स्लोप। द रिट्रीटिंग और स्टील बैंड, जिसे हम कहते हैं कि खिसकती हुई जो चट्टान की तीव्र वाली ढाल की जो साइड है उससे क्या होता है कि जो ऊपरी भागों में जो ढाल है उसका विकास होता है और बेसल स्लोप, जिसे हम हेल्डन हैंड भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है या उस तक उसका प्रसार होता है। तो चौथा उनका अजम्पशन था वो ये, द जंक्शन बिटवीन स्टील बैंड एंड हेल्डन हैंड इज मार्क्ड अप बाय शार्प स्लोप डिसकंटिन्यूटी कॉल्ड पिडमोंट एंगल। जो जंक्शन है मीन्स दोनों के बीच को जो जोड़ने वाला है स्टील बैंड एंड हेल्डन हैंग को, वो एक शार्प स्लोप है कि डिसकंटिन्यूटी मीन्स जब वो दोनों को जोड़ती है तो वो जो उसकी असंबद्धता है वो तीव्र ढालधार से होती है, जिसे हम कहते हैं पर्वतपदीय कोण या पिडमोंट एंगल। देन आगे हम इसको देखते हैं कि पिडमोंट एंगल इज मेंटेन, जो आपका गिरिपदीय कोण है बेस पे उसका कोण बनता है वो हमेशा कायम रहता है। साथ ही इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस बेसल स्लोप इटसेल्फ बिकम्स सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एंड रिट्रीट्स कॉजिंग न्यू स्लोप ग्रेडियंट, जिसे हम कहते हैं जेनेटिन फ्लैशन टू डेवलप। ये जर्मन भाषा का वर्ड है स्लोप ग्रेडियंट, जो नया बनता है क्योंकि पिडमोंट एंगल मेंटेन रहेगा और इसी समय के दौरान जो आधार में ढाल है, जो आधार में जो सतह है वो अपने आप ही वेदरिंग से प्रभावित होती है अपक्षय की प्रक्रिया से और इस तरह से वो पीछे की तरफ खिसकती है। तो ये क्या हो जाता है, नया स्लोप का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं जेनेटिन फ्लैशन। दिस ऑल्सो अंडरगोज पैरेलल रिट्रीट कॉजिंग जेंटल स्लोप ग्रेडियंट टू डेवलप। इसी की वजह से क्या होता है, जो आधार पे ढाल बनता है वो बिल्कुल ही एक तो समांतर दर से खिसकाव होता है, एक दूसरे के समांतर ढालें हैं जो विकसित होती हुई चलती हैं और जो ग्रेडियंट है वो आपका जेंटल होता है, स्टीप नहीं होता, मॉडरेट होता है। दिस प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव स्लोप प्रोफाइल, और इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो आधार पे जो ढाल बनती है परिच्छेदिका बनती है वो क्या होती है अवतल। मेन थीसिस जो पेंकी है, जो उन्होंने अपने इस शोध में बात कही वो ये था कि विद पैसेज ऑफ टाइम स्लोप्स डोंट चेंज। समय के पास होने के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है जो ढाल हैं वो परिवर्तित नहीं होते। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि द स्लोप फॉर्म्स आर डिटरमिंड बाय वन ओवर राइडिंग कंट्रोल द रेट ऑफ डाउनवर्ड इरोजन ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग एट द बेसिस। आधार में जो नदियाँ हैं जो बह रही हैं उसका वो नीचे की ओर कटाव करती हैं, जो उसके दर को भी नियंत्रित करती हैं। तो बेसिकली जो स्लोप फॉर्म है, जो ढाल का स्वरूप है, वो निर्धारित होता है नदी के कटाव की दर से, जो निर्धारित होती है। जो इनकी थ्योरी है अगर हम उसे एक बार देखें तो अकॉर्डिंग टू पेंक, अ कॉन्केव प्रोफाइल डेवलप्स अबव रिवर्स विच आर कटिंग डाउन एट अ डिसेलरेटिंग रेट। मीन्स जो कॉन्केव है, जो आपकी उत्तल ढाल है, अवतल ढाल की जो परिच्छेदिका है वो रिवर्स के ऊपर बनती है और जो डिसेलरेटिंग रेट है, जो घटती हुई दर की है, एक्सेलरेटिंग नहीं है, डिसेलरेटिंग रेट से है। दूसरी जो बात उन्होंने कही थ्योरी में अपने, वो ये कि रेक्टिलिनियर स्लोप जो है वो डेवलप होता है नदी के ऊपर, दैट आर इरोडिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट, जो कि जो अपरदन की प्रक्रिया है वो निरंतर दर से चलती रहती है। तो रेक्टिलिनियर जो ढाल है, आपने पढ़ा था कि ये क्रेस्ट है, फ्री फेस है, रेक्टिलिनियर है, जिसे हम कहते हैं सीधी ढाल। और तीसरा इनकी थ्योरी में इन्होंने ये चीज़ कही कि कॉन्वेक्स स्लोप्स आर फॉर्म्ड अबव रिवर्स कटिंग डाउन एट एन एक्सेलरेटिंग रेट। जो कॉन्वेक्स स्लोप्स है नदी के ऊपर, नदी जहाँ नीचे घाटी में बह रही है उसके ऊपर की जो ढाल है वो कॉन्वेक्स हो जाती है, जिसे हम कहते हैं उत्तल ढाल, और वो उसकी जो दर होती है वो तीव्र होती है। सो अ रिवर कटिंग डाउन एट ए रैपिड कॉन्स्टेंट रेट विल गिव राइज टू अ स्टीप रेक्टिलिनियर स्लोप, देन अ रिवर कटिंग डाउन एट अ स्लो कॉन्स्टेंट रेट। बहुत ऑब्वियस है कि अगर नदी तीव्र गति से अपरदन कर रही है तो
तीव्र जो सीधी पार्श्व ढाल बनेगी, और अगर वो निरंतर निम्न दर से कटाव कर रही है तो उसका जो ढाल है वो उतना तीव्र नहीं होगा। समरी युग में अगर हम इसे देखें संक्षिप्त में, तो वॉल्टर बैंक ने जो अपने सिद्धांत में कहा है वो ये कि द फॉर्म एंड एंगल ऑफ स्लोप्स आर डिटरमिन्ड मेनली बाय द रेट ऑफ इरोजन बाय द रिवर विच इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय द रेट ऑफ अपलिफ्ट। बेसिकली डिफरेंस यही है कि इन्होंने रेट ऑफ इरोजन और रेट ऑफ अपलिफ्ट के बीच में जो भू आकृति है उसको समझाने की अपने सिद्धांत के द्वारा कोशिश की है कि जो उसका एंगल है और जो स्वरूप है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, कि अपरदन की दर कितनी है नदियों के द्वारा, और जो रेट ऑफ अपलिफ्ट है वो कितना नियंत्रित है। अगर रेट ऑफ अपलिफ्ट ज़्यादा है, रेट ऑफ इरोजन ज़्यादा है, तो भी वो अपने स्वरूप को कायम रखता है, लेकिन रेट ऑफ अपलिफ्ट ज़्यादा है और रेट ऑफ इरोजन ढाल मंद हो जाता है, इरोजन कम हो जाता है, तो ढाल का स्वरूप बदल जाता है। सिमिलरली द स्लो फॉर्म्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग अपॉन इट एंड द प्रोसेसेस एक्ट मेयरली एज ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स। साथ ही उन्होंने ये चीज़ भी कही कि जो ढाल स्वरूप है, जो भू स्वरूप है, वो डिपेंडेंट नहीं है प्रक्रियाओं पे जो उसके ऊपर कार्य करते हैं, जो बल्कि एक सिंपल साधन है जिसकी वजह से विभिन्न जो अभिकर्ता हैं उनके द्वारा उनका परिवहन होता है। क्रिटिसिज्म इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई कि बैंक्स ने अजम्पशन माने थे अपने कि वेदरिंग इज यूनिफॉर्मली इक्वल ओवर द एंटायर स्लोप एंड द वेदर डिब्रिस इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड यूनिफॉर्मली आर नॉट रियल। बैंक ने जो ये माना था कि वेदरिंग की जो प्रक्रिया है अपेक्षा की वो एक समान रूप से ऊपर पूरी पूरी ढालों में होती है, और जो कि वास्तविकता से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। दोनों ही प्रक्रिया अलग है, वेदरिंग की प्रक्रिया इक्वल नहीं होती, अलग अलग ढालों पर अलग अलग स्थलों पर ये अलग अलग दर से होती है। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि द बाय द लोअर सेक्शन ऑफ द स्लोप विल बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्लोप यूनिट्स एंड हाउ ग्रेडियंट्स बिकम फ्लैटर इज अनक्लियर। इन्होंने ये नहीं समझाया अपने सिद्धांत में कि जो लोअर सेक्शन है, जो निम्न भाग है ढाल का, वो विभिन्न स्तर में डिवाइड किया गया इकाइयों में, लेकिन ग्रेडियंट फ्लैटर कैसे हुआ ये अस्पष्ट था। इसको अगर हम वापस समझते हैं तो वो ये है कि जो पहले से आपको बताया कि बैंक ने खड़े ढाल पर चट्टान की जो क्रीपिंग क्रिया जिसे हम कहते हैं सर्पण क्रिया को तीव्र माना, जो कि वास्तविकता से ऐसा नहीं होता। साथ ही बैंक ने ढालों के विकास को बेसिकली अलग अलग अवस्थाओं में माना, और समझाने के दृष्टिकोण से उन्होंने उसको अवस्थाओं में रखा, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। तो इसमें क्या है कि ये पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता है हमें कि जो ढाल का विकास है वो खड़े ढाल वाले खंडों की एक श्रृंखला है या नतोदरता की श्रृंखला है। फिर जिन क्षेत्रों में वेदरिंग प्रोसेस होता है और डेब्रिस का संचलन लगातार होता रहता है, उसमें ये सिद्धांत असफल हो जाता है। तो अंत में ये कह सकते हैं कि बैंक ने खड़े ढालों से साधारण ढाल के विकास के संबंध में सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इसके लिए इनको इनकी सराहना की जाती है। थैंक यू सो मच। रेफरेंस के लिए आप ज्योमोफोलॉजी की बुक प्रोफेसर अजय शर्मा एंड प्रमिला कुमार की, हिंदी में ये है, उसको देख सकते हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी की के सिद्धार्था को कंसल्ट